भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये यात्रा 24 नवंबर को पहुंचेगी और 10 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के 7 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश का प्रभार पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को दिया गया है। क्या रूपरेखा अभी भारत जोड़ो पदयात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मध्य प्रदेश में 24 नवंबर को आएगी जो 10 दिसंबर तक चलेगी। 7 जिले और लगभग 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज इसमें कवर होंगी और पूरे हम जिले विधानसभा ब्लॉक मंडलम सेक्टर बूथ तक इसे समन्वयक बनेंगे और जो पैम्फलेट जारी होगा वो घर घर पहुंचाया जाएगा। ये महंगाई के खिलाफ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये संविधान को जो थोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ है, जो किसानों की बदहाली हो रही है खिलाफ है, जो आम जन परेशान है उन की बात की जाए, बाढ़ की स्थिति कैसे जाए। बरसात के पहले हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे कि ये व्यवस्थाएं करो, ये नाले पूर आएंगे, ये पानी भरेगा, ये लोगों के घरों में गिरेगा, पेड़ काटो पेड़ गिरेंगे, बिजली के खंभे हिल रहे थे उनका कहा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और उसकी परिणति ये हुई कि सैकड़ों की तादाद में पेड़ गिर गए, घरों पे गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए और 24 घंटे से न पानी है न लाइट है और इसलिए वो नारा लगातार बुलंद हो रहा है कि बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। देखिए जनाधार तो कांग्रेस का वैसे बड़ा हुआ है, 114 नहीं 174 सीट से कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये तो जो देश भर में जो स्थिति है, लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से और जो अलग अलग संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है, इन सब बातों को उठाएंगे और एक राहुल गांधी जी का एक संकल्प था इस तरह की प्रचार करें वो पूरा हो रहा है। इसका हवाई सर्वे कर रहे हैं, लोग जमीन पे मर रहे हैं वो हवाई सर्वे कर रहे हैं। अरे जमीन पे जाके देखो ना कि कहाँ क्या परेशानी है, कहाँ खंभा गिर गया, कहाँ लोगों के घर गिर गए, इनको एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के तुरंत सहायता पहुंचाना चाहिए ना। ये सहायता न करके हवाई सर्वे से होना क्या है, इनके सभी काम हवा हवाई रहते हैं।